नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं बिहार राज्य में होने वाली भर्ती 2021 के बारे में। और यहाँ पे आप सभी को बहुत ही बढ़िया जानकारी मिलने वाली है। बिहार में बंपर वाली निकाली जा रही है। आप सभी को बता दें कि महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पे बंपर भर्ती करवाई जा रही है, जिसके लिए आप सभी महिला पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल पाए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सरकारी नौकरियों से जुड़ी हर एक खबर आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए यहाँ पे आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर बिहार राज्य में कितने पदों पर आप सभी के लिए वाली करवाई जा रही है। देख सकते हैं ग्रुप डी के 30,000 पदों पर होगी नियुक्ति। तो यहाँ पे जो राज्य सरकार है 30,000 पदों पर बहाली करवाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे संवाददाता पटना, राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में ग्रुप डी के लंबे समय से खाली पड़े पदों पर जल्दी नियुक्ति की जाएगी। बीएसएससी ने जिला, अनुमंडल और राज्य स्तरीय कार्यालयों इसके लिए अधियाचना मांगी है। अब तक 29 जिलों से रिक्तियां आयोग को मिल चुकी हैं, जिनकी गणना चल रही है। सभी जिले और राज्य स्तरीय कार्यालयों में अधियाचना प्राप्त हो जाने के बाद रिक्तियों की संख्या 30,000 के लगभग होने का अनुमान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगले महीने इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकलने की संभावना है। कार्यालय परिचारी के पदों पर होगी नियुक्तियाँ। तो ग्रुप डी के अंतर्गत मुख्यतः कार्यालय परिचारी के पदों पर नियुक्तियाँ होंगी। लंबे समय से इस पदों पर नियुक्ति ना होने के कारण बड़ी संख्या में राज्य सरकार के हर कार्यालय में ये पद खाली पड़े हैं। एक अनुमान के अनुसार सभी जिला, अनुमंडल और राज्य स्तरीय कार्यालयों में रिक्त पदों को मिला लें तो ऐसे पदों की संख्या लगभग 35,000 होगी। इनमें से लगभग 30,000 रिक्तियां आने की संभावना है। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी जिलों से रिक्तियां आने के बाद शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। तो यहाँ पे देखेंगे 29 जिलों से अधियाचना आयोग कार्यालय को मिल चुकी है। अन्य जिलों से इसके आने की प्रतीक्षा की जा रही है। सभी कार्यालयों से रिक्तियाँ आने के बाद जल्द इसका विज्ञापन निकाला जाएगा और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ओम प्रकाश पाल जो कि सचिव हैं बीएसएससी के। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया खबर निकल के आ रही है कि बिहार राज्य की तरफ से 30,000 पदों पर भर्तियाँ निकाली जाएंगी, जो कि ग्रुप डी की होंगी, जिसके लिए 10वीं पास योग्यता जिसके पास होगी वो सभी लोग इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। और अगले महीने यानी मार्च में हो सकता है इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो आप सभी को इस भर्ती प्रक्रिया की पूरी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक जानकारी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।